हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ओके होंगे एंड यू आर वाचिंग गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ रणदीप सिंह, और हमने इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स और एक्सरसाइज कंप्लीट किए, और आज हम इसी की तरह 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 पर है। आपको कह रहा है यहाँ पर एडी, ये एडी और सीई एल्टीट्यूड है आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी के अंदर, ठीक है? यानी कि क्या गिविन होगी कंडीशन आपको? एक मिनट, थोड़ा सा वर्किंग इशू है यहाँ पे इस ऐप में, तो इसका मार्कर शो क्यों नहीं कर रहा है? कर गया। तो जब मुझे गिवन कंडीशन लिखने को कहा जाएगा तो मैं लिखूंगा सीई परपेंडिकुलर टू ए बी इन ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहा हूं मैं, और ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, आपको दो ट्राइंगल बोला है, मैं वहां से सॉल्व करना शुरू करूंगा। फर्स्ट वाले केस में इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, ध्यान देना ए ई पी कहाँ है, ए ई पी मैं शेड कर रहा हूँ एक एक करके ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और सी डी पी इस वाले दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ इन ट्राइंगल के अंदर क्या क्या है जो आपको नजर आ रहा है? आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे 90 डिग्री है दोनों के अंदर एक एक, तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ए ई पी जो है वो इक्वल है एंगल सी डी पी के। रीजन क्या है इसका सर? 90 डिग्री। और एंगल ए पी ई, ए पी ई इक्वल होगा एंगल सी पी डी के, क्यों? ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बी ओ ए शॉर्ट में। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर हुआ ट्राइंगल सी डी पी के विद द प्रॉपर्टी डबल ए रूल। क्या समझ में नहीं आया वो बता दो फर्स्ट केस में, मेरे अकॉर्डिंग आ गया वो। सेकंड वाले केस पे चले, ठीक है? सेकंड वाले केस को पहले लिख लेते हैं। कौन सा एंगल है? ए बी डी इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। ध्यान देखो, ए बी डी, बी डी इधर देखो, ये ट्राइंगल और सी बी ई, सी बी ई ये वाला। एक मिनट, इसको रेड से लिखना पड़ेगा वरना अलग से दिखेगा नहीं आपको, ठीक है? ठीक है सर। अब आप यहां देखो, इस वाले ट्राइंगल का भी एंगल बी है, ठीक है सर? तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी डी और एंगल सी बी ई, दोनों में एंगल बी जो है कॉमन आ रहा है क्या भाई? हाँ सर, ये एंगल बी दोनों के लिए कॉमन है, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता था, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, एक ही बात है, ठीक है सर? अब इस ट्राइंगल को देखो, ए डी पी क्या लिखा मैंने इसमें, यहाँ पे 90 डिग्री है आपके पास, 90 डिग्री हो रहा है, कैसे हो रहा है? ए डी पी लिख दूं, अगर ए डी बी लिख दूं, सॉरी है ना, क्या लिख दूं मैं, एंगल ए डी बी इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये इक्वल होगा एंगल किसके, सी ई बी के, 90 डिग्री होगा। हाँ सर होगा, तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई विद द प्रॉपर्टी ऑफ डबल ए रूल। क्लियर है? ओके सर। थर्ड पार्ट पे आगे बढ़ेंगे हम। थर्ड पार्ट कह रहा है इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी। आ जाओ, ए ई पी कहाँ है भाई? ए ई पी फिर से भाई आ गया, ए ई पी ये वाला है भाई, और ए डी बी, ए हाँ ए डी बी, ओके ये वाला, एक मिनट ब्लैक से बता देता हूँ, ठीक है? अबे चल जा, कितना दिक्कत देते हैं यार ये टैब वगैरह। सबसे अच्छा है अपना बोर्ड, ए डी बी, तो आपको दिख रहा है एंगल ए ई पी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए डी बी के, क्यों? 90 डिग्री है ना ये, ठीक है सर? और इस छोटे वाले में एंगल ए और इसमें भी एंगल ए कॉमन आ रहा है ना। हाँ सर, कह सकता हूँ मैं ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए टी पी के विद द प्रॉपर्टी डबल ए रूल। आ गया, हाँ सर आ गया। थर्ड केस पे चले, चलो नहीं थर्ड ही तो था, ये फोर्थ केस पे आना है। ओके, ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, ध्यान देना थोड़ा सा, पी डी सी कहाँ है? पी डी सी भाई, पी
डी सी, केवल इसकी बात हो रही है, और कह रहा है बी ई सी, बी ई सी इस पूरे की भी बात हो रही है। ठीक है सर, तो पहले इसमें पी डी सी इक्वल होगा एंगल बी ई सी के, क्यों? सर 90 डिग्री है। आगे सुनो, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, इसमें भी सी इसमें भी सी, दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं। हाँ सर, कंप्लीटली इक्वल आ रहे हैं, ये कॉमन की वजह से इक्वल हो गए, तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर ट्राइंगल बी ई सी विद द प्रॉपर्टी डबल ए रूल। बताओ क्या नहीं आया? ये हमने चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 7 के। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिमिलरिटी के क्राइटेरिया जो प्रॉपर्टीज है वो अच्छे से याद रखनी है, और किस ट्राइंगल में किस अकॉर्डिंग बन रहे हैं वो थोड़ा सा आपको क्लिकिंग करना चाहिए। उसके बाद सिमिलरिटीज वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कैलकुलेटिव पार्ट तो है ही नहीं, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय।